नहीं, ज़ॉम्बी का सर्वनाश अभी खत्म नहीं हुआ। पहले ट्रूम ट्रूम पर। I am you. सब दोस्त ज़ॉम्बी से दूर जाने में कामयाब हो गए और अब वो जिंदगी को बचाने के लिए क्या ढूंढ रहे हैं। ओह, अगर ये गाड़ी नहीं होती तो किसको पता कि हमारे साथ क्या हो जाता। वहाँ बाहर क्या है? क्या ये सच में किसी तरह का कैंप है ज़ॉम्बी के सर्वनाश की सदी में? जवाब उससे ज्यादा सवाल है। नक्शा क्या बता रहा है? मुझे याद आ रहा है कि जब हम GPS का इस्तेमाल पाते थे। हे भगवान, ये सब धुआं क्या है? देखो, ये बोनट के नीचे से निकल रहा है। क्या इंजन में कुछ गड़बड़ है? हमें खाली करना होगा। ठीक है, देखकर लगता है हमें चलना होगा। चलो चीजें ले और चलें। अलविदा हमारी प्यारी गाड़ी, तुम एक वफादार और भरोसेमंद दोस्त थी। आराम करने की जगह ढूंढने के लिए लड़कियां और ज़ॉम्बी बस्टर जंगलों से गुजर रहे हैं। देखो, वहाँ कुछ पानी है। एक ब्रेक लेना बढ़िया रहेगा। और ये रही बिल्कुल सही जगह। चलो यहाँ रुकते हैं। दोस्त आग लगाते हैं। कुछ ही मिनटों में हम अपने जमे हुए हाथों को गर्म कर सकते हैं। मजेदार। अब हमें सुरक्षा से संबंधित परेशानियों को हल करना होगा। हमारे पास थोड़ी रस्सी और एक तरकीब है। चलो कैंप वाली जगह को रस्सी से लपेटते हैं। बेशक ये बिजली वाली कांटेदार तार जैसा अच्छा नहीं, लेकिन ज़ॉम्बीज को दूर रखने में ये चाल काम जरूर करेगी। हालांकि नक्शे के हिसाब से यहाँ आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं। बहुत आसान। और अब स्नैक लेना अच्छा होगा। डिप वाला खाना। खैर ज़ॉम्बी बस्टर, तुम्हें यकीनन पता है कि भूखी लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। तुमने जरूर अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारे दिल तोड़े होंगे। वैसे हमें बताओ, तुम ज़ॉम्बी का सर्वनाश करने से पहले क्या थे? खैर, ये बिल्कुल भी दिल तोड़ने वाला नहीं है। ये पता लगा कि उनका दोस्त ज़ॉम्बी बस्टर एक पारिवारिक इंसान था। मेरा एक बहुत अच्छा परिवार था। मैं अपनी पत्नी से स्कूल में मिला था और हमारा एक बेटा था। हमारी शान और पूरी खुशी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। ओह, लड़कियों को अपने दोस्त के नुकसान के लिए दुख है और बातों का विषय बदल रही है। उनकी जिंदगियां बहुत अलग अलग थी। वो बहुत लापरवाह थी। वो पार्टी करती थी, मजे करती थी। वैसे क्या तुम्हें मनोरंजन पार्क पसंद है? जेन और मैं अपने सारे पैसे वहीं खर्च करते थे। याद है मुझे सबसे ज्यादा गाड़ियाँ लुभाती थी। तेजी, ड्राइव, भावनाएं और बूढ़ी के बाल। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी स्वाद याद है। आह, मुझे एक मिनट के लिए भी वापस वहाँ जाना बहुत पसंद आएगा। और थोड़ी बातचीत के बाद ये आग के सामने ही सो गए। लेकिन ज़ॉम्बी का हमला कब हो जाए कुछ नहीं पता चलता। और उनकी सुबह कॉफी से शुरू नहीं होती। लेकिन ज़ॉम्बी उनकी रस्सियों के जाल में फंस गया। चलो चले, ये सब खतरनाक हो रहा है। जल्दी करो, ज़ॉम्बी जाल तोड़कर बाहर निकलने वाले हैं। कितना भयानक कोहरा है। ओह, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। चुप हो जाओ। नक्शे के हिसाब से यहाँ बिल्कुल भी खतरा नहीं। सड़क शहर के बाहर है। लेकिन हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? हम कुछ भी देख नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि ये रास्ता है। मुझे लगता है कि मैं अपार्टमेंट की इमारतें देख पा रहा हूँ। हम सही रास्ते पर हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों को एक छोटा सा मनोरंजन पार्क दिखाई दिया। अजीब है, यहाँ बिजली है। लेकिन कैसे? इस
इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलो एक सवारी लेने चलते हैं। हमें ऐसा मौका फिर दोबारा कब मिलेगा। इस फेरिस व्हील को देखो, ये मुझे चेर्नोबिल में से एक की तरह लग रहा है और वो इसे और भी लुभावना बना रहा है। हम किसी चीज से नहीं डरते। लड़कियां ज़ॉम्बी बस्टर को सवारी पर बैठने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हमारी मजे करने की आवाज़ें ज़ॉम्बी को हमारी तरफ खींच सकती हैं। कौन जानता है कि यहाँ आसपास कितने हैं? ज़ॉम्बी बस्टर प्लीज, हमने बस इन पार्कों के बारे में बातें की थी और अचानक से हमें थोड़े मजे करने का भी मौका मिल गया। हो प्लीज, ठीक है, लेकिन हमारे लिए उन्हें शुरू कौन करेगा? हम उन्हें खुद चालू कर सकते हैं। और ये रहा कंट्रोल बूथ, बटन दबाएं। लाल गाड़ी पर सवारी मैं करूंगा और मैं गुलाबी वाली लूंगी। रंगों से क्या फर्क पड़ता है, ये मजेदार है। अपनी जिंदगी के लिए भागो दाएं बाएं। क्या तुम्हें पता भी है गाड़ी कैसे चलाती है? मुझे सीधे ही हाँ कह देना चाहिए था। ये बहुत मजेदार है। आर्केड पर आगे बढ़ना। इन सब खेलों को तो देखो, ज़ॉम्बी के सर्वनाश का कम से कम एक फायदा हुआ। सभी खेल हमारे हैं। नाइट सिटी रेसिंग, ये बेहतरीन महसूस हो रहा है। तुम्हारे निशाने की परीक्षा लेने का क्या ख्याल है? एक बास्केटबॉल रिंग और ये लो, हम चले निशाना लगाना सीखे, हो सकता है। यहाँ एक स्केट रिंक भी है और मेरे नाप के स्केट्स भी मिल जाएंगे। बेशक वो है, ज़ॉम्बीज़ को छोड़कर यहाँ स्केट करने के लिए कोई नहीं। रोलर स्केट्स पर ज़ॉम्बीज़, क्या ये मजेदार नहीं होगा? तुम सिर्फ एयर हॉकी मेज पर नहीं जीत सकते। ज़ॉम्बी बस्टर, क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? लिली एक असली खिलाड़ी है। खैर, क्या ये जाने का वक्त है? ओ जिन, क्या तुमने फिर इस व्हील को शुरू कर दिया? हमें एक त्यागे हुए शहर को एक पक्षी की नजर से देखने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। ओह, मुझे लगता है कि हम यहाँ अकेले नहीं। ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आए? देखो, यहाँ उनमें से दो और हैं। चलो बीवी, तेजी से घूमो, हमें जल्दी उतरना होगा इससे पहले कि ज़ॉम्बीज हमारे पास आ जाएं। चलो चलते हैं। इस जगह के सभी ज़ॉम्बीज मनोरंजन पार्क की आवाजों से ही पास आएंगे। तेज भागो, हम अभी भी दूर जा सकते हैं। ओ नहीं, उन ज़ॉम्बीज में से एक ने जेन के पैर को पकड़ लिया। ओ नहीं, दोस्त पहले से ही दूर है। गिरते हुए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो ज़ॉम्बीज के साथ अकेली रह गई। हाँ, कितना डरावना है। लड़ो जेन, उसे अपने आप को काटने मत देना। ओ नहीं, ऐसा हो गया, ये दर्द करता है। जेन ने ज़ॉम्बीज को उसके पैर से धक्का दिया और भाग गई। ज़ॉम्बी बस्टर और लिली ज़ॉम्बीज से बचकर भाग आए, लेकिन जेन कहाँ है? क्या ज़ॉम्बीज ने उसे पकड़ लिया? दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और विश्वास नहीं हुआ कि जेन बच नहीं पाई। वो कहाँ गई? जेन सड़कों पर भटक रही है, उसके हाथ से खून बह रहा है। वो क्या कर सकती है? वो कहाँ तक दौड़ सकती है? वो कहाँ से मदद ले सकती है? और उसके पास कितना वक्त बचा है? उसकी ताकत भी खत्म हो रही है, लेकिन अचानक उसे एक तरकीब मिल गई। गाड़ी, मुझे गाड़ी खोलनी होगी, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगी? एक स्टील बार, ये वही है जो मुझे चाहिए। जेन को हुड खोलने में बहुत मुश्किल हो रही है। ओह, मैंने कर दिखाया और मुझे अलार्म ढूंढने की जरूरत है। इसमें एक दो तार लगेंगे। ये अपने दांतों से तारों के ऊपर वाली परत हटा रही है। जेन जानती है कि जब गाड़ी बीप करेगी तो उसके दोस्त सुनेंगे और बचाने के लिए आएंगे, लेकिन ज़ॉम्बीज भी आवाज की तरफ भागेंगे। खोने के लिए कुछ नहीं है, वो टूट रही है। वो वैसे भी लंबे समय तक नहीं है, तो तारों को जोड़े, प्लस माइनस उन्हें बैटरी टर्मिनल से जोड़े। जोड़ दिया, एक गाड़ी की तेज आवाज ने शांति को तोड़ दिया। लिली, ज़ॉम्बी बस्टर, तुम कहाँ हो? मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन अब तक अलार्म की आवाज़ ने सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को प्रभावित किया। प्रभाव तुरंत है। जेन, अपने आप को बचाओ, वो पहले से ही तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। ओ नहीं, वो के ज़ॉम्बीज़ का झुंड मेरे पीछे आ रहा है। ये अंत है, मैं मरना नहीं चाहती। क्या
कोई रास्ता नहीं। और क्या हमें अपने असली किरदारों को अलविदा कहना होगा? क्या आपको लगता है कि जेल एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी? हमें कमेंट्स में बताएं। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं।